हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, अभी ठंड तो हल्की हल्की पड़ी है, मैंने ये शॉल ओढ़ रखा है, पर इतनी कोई ठंड है नहीं। फिर भी इस मौसम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मौसम स्टार्टिंग का होता है, बीमारी काफी मतलब अटैक करता है इस टाइम, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज मैं अपनी मन की बात भी आपसे शेयर करती हूँ। आज जो मेरी मन की बात है फ्रेंड्स की, देखिए, अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ एकाग्र होना चाहिए। अगर हम भगवान की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ भगवान की तरफ होना चाहिए, किसी काम की तरफ दे रहे हैं तो सिर्फ किसी काम की तरफ होना चाहिए, यानी कि हमारे ध्यान को हमें भटकाना नहीं चाहिए। तो इसी टाइप की एक कहानी है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, दो आश्रम में शिष्य थे उस जमाने में, जैसे शिष्य वगैरह भगवान का ध्यान करते थे, बैठ के ध्यान वगैरह करते थे, तो इस टाइप के दो शिष्य थे। वो बहुत ही अपने जो मंदिर में जो कृष्ण भगवान थे उनकी वो बहुत ही भक्ति करते थे, वहाँ बैठ के बहुत ही ध्यान पूर्वक भक्ति करते थे बैठ के। तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह अपना नहा धो के दोनों शिष्य वहाँ जाके बैठ जाते थे और जाके अपना ध्यान पूर्वक ध्यान करते थे वहाँ बैठ के। अच्छा, उनमें से एक शिष्य जो था वो क्या करता था, सुबह उठ के ध्यान करने के बाद थोड़ी देर बाद वो उठ के जाता था, भगवान के लिए वो भोग तैयार करता था और वही भोग वो भगवान को चढ़ाता था और वो खुद भी खाता था। तो उसके बाद जो दूसरा वाला था वो सिर्फ दिन रात खाली क्या करता था, खाली ध्यान करता था, ध्यान करता था, ध्यान करता था बस। तो क्या हुआ, वहाँ का जो गुरु था, दोनों शिष्य वहाँ गए गुरु के पास जाके बोला, मतलब दोनों में ना कहाँ सुनी हुई किसी बात को लेके, दोनों शिष्यों में ना काफी इस बात को लेके बहसबाजी हुई कि तू तो खाना बनाने चला जाता है, तू तो पूरे दिन बैठा रहता है, तू कौन सा भगत है, तू कौन सा भगत है भगवान का। तो इस बात को लेके दोनों में कहाँ सुनी हुई, दोनों में मतलब लड़ाई हुई इस बात को लेके कि तू सबसे बड़ा भगत बनता है, मैं हूँ सबसे बड़ा भगत जो पूरे दिन बैठ के मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। तो इस बात को लेकर काफी बहसबाजी छिड़ गई दोनों में। तो इतने में क्या हुआ, ऊपर से नारायण जी देख रहे थे, दोनों शिष्यों को बैठ के वो देख रहे थे कि दोनों शिष्य जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो वो जल्दी से नीचे आते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। वो कहते हैं ये कहता है कि मैं पूरे दिन ध्यान करता हूँ तो ये बड़ा शिष्य है, और ये क्या करता है, सुबह शाम जाता है खाना बनाता है, पहले भगवान को देता है फिर खुद खाता है, इसे खाने की पड़ी है, तो ये कौन सा शिष्य हुआ। इस टाइप से दोनों में जंग छिड़ गई। तो नारायण जी बोलते हैं ठीक है, मुझे एक दिन का समय दो है। तो दोनों ने मतलब नारायण जी को मतलब अपना वो माना कि भैया आप बताओ हम दोनों में से कौन है बड़ा शिष्य। तो नारायण जी ने बोला मुझे बस एक दिन का समय दो, मैं आप दोनों में से फैसला ये कर दूंगा कि आप दोनों में से सबसे बड़ा शिष्य कौन है। कहता है ठीक है। तो नारायण जी अपना चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह नारायण जी मंदिर में वहीं बैठे हुए थे, दोनों का इंतजार कर रहे थे कि दोनों शिष्य अपना नहा धोकर आएंगे और बैठेंगे और मैं इस चीज का फैसला आज करूंगा। तो दोनों शिष्य अपना गए नहा धो कर आए, जैसे वो रोज का करते हैं, वो पूरे दिन अपना ध्यान में बैठते हैं और दूसरे शिष्य जो है वो पहले खाना बनाता है, पहले वो खाना भगवान को भोग की तरह चढ़ाता है, फिर वो खुद खाता है। तो नारायण जी ने क्या किया, वहीं जहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति थी वहीं पे दो हीरे की अंगूठी उन्होंने रख दिया, आमने सामने उन्होंने रख दिया। तो जो पहला शिष्य है जो पूरे दिन ध्यान देता है, उसने जाके देखा, पहले तो उसने नमन किया, किशन जी को नमस्कार किया दोनों हाथों को जोड़ के, फिर उसने देखा कि वहां मैंने चमकता हुआ हीरे की अंगूठी रखी है। उसने क्या किया, एक हीरे की अंगूठी खिसका के उसने अपने जहां पे वो आसन में बैठता था उसी आसन के नीचे उसने दबा दिया। और दूसरा वाला क्या किया, जब वो खाना देने के लिए आ रहा था किशन भगवान को, तो उसने भी देखा वहां पे एक अंगूठी, वहां एक और जो पड़ी थी उसने भी देखा कि ये अंगूठी यहाँ पड़ी है। तो उसने उस चीज को इग्नोर करके, उसने उस चीज को देखा ही नहीं कि अंगूठी रखी कि क्या रखी है, वो अपना खिचड़ी लेके गया जाके, अपना उसने चढ़ाया और फिर उसका उसने खाना खाया और फिर उसका वो ध्यान में बैठ गया। तो ये सब नारायण जी ने देखा। तो उसके बाद जब आधा दिन निकल जाता है तो दोनों शिष्य नारायण जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने तो हम दोनों में से फैसला किया नहीं कि कौन सबसे बड़ा शिष्य है।
तो नारायण जी ने बोला, देखो मैं इस चीज का फैसला कर चुका हूँ, अंगूठी जिन्होंने छुपाया है इसके नीचे वो आप हो। उसको बोला जो पूरे दिन बैठा रहता है ध्यान में, तो वो चुप हो गया। उसने कहा अच्छा, तो वो कुछ नहीं बोला। तो कहता है ये शिष्य यानी कि जो ध्यान में बैठे हुए पूरे दिन, वो ध्यान तो दे नहीं रहे हैं, उनका ध्यान चोरी में है। वो अंगूठी चमकी हो तो उसको चोरी में ध्यान उनका गया, तो ये कोई ध्यान थोड़ी हुआ। तो आप भगवान के लिए ध्यान कहाँ कर रहे हो, आपका तो कोई ध्यान ही नहीं है इसमें। और वो जो है वो खाना बना के लाते हैं, वो सबसे पहले खिलाते हैं, फिर वो खाते हैं, फिर वो ध्यान में बैठते हैं। अंगूठी उन्होंने भी देखा पर उन्होंने अंगूठी को छुआ नहीं, यानी कि उनको पता है कि मेरे लिए भगवान जी जो है वो खाने का इंतजाम कर देंगे, तो उन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अंगूठी पे ध्यान नहीं दिया। पर आपने अपना खाने का इंतजाम चोरी करके किया, आपने उसके नीचे छुपा दिया। तो आपके लिए आप भगवान का क्या भगत हो? तो आपको ये पता है कि भगवान के लिए आपके लिए मन में कोई श्रद्धा है ही नहीं, आप पूरे दिन बस ऐसे ही बैठे रहते हो, आपके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, यानी कि आपका ध्यान भगवान की तरफ है ही नहीं। तो इस चीज का समाधान जो है नारायण जी ने निकाला था दोनों के लिए, तो इस चीज के ऊपर तो दोनों जो है इस चीज को समझ गए कि कौन सबसे बड़ा भगत है और कौन नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो दिखता है, अगर आपको दिख रहा है कि वो पूरे दिन ध्यान कर रहा है तो वो भगवान का बहुत बड़ा भगत है, नहीं, वो बैठा हुआ है पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इधर उधर से उसके दुनिया में मतलब दिमाग में दुनिया घूम रही है, उसका ध्यान नहीं है भगवान के प्रति। उसके दिमाग में है पैसा कमाना है, अमीर आदमी बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भगवान के लिए खाना बनाता है, भगवान को खाना खिलाता है, उसे पता है भगवान जी मेरे लिए अनाज का इंतजाम कर देंगे, तो उसे ये चीज विश्वास है, इसलिए वो पूरी श्रद्धा के साथ खाना वाना खिला के खुद खा के पेट भर के फिर वो ध्यान करता है भगवान का। तो उसको ये बात पता है कि भगवान को मुझे भूखा नहीं रखना, पूरे दिन उसके दिमाग में यही है। तो फ्रेंड्स यही है आज मेरी छोटी सी मन की बात। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें ध्यान पूर्वक कीजिए, उस ध्यान को जो है अपने आप भटकाइए नहीं इधर उधर। तो यही है आज। तो फ्रेंड्स आज आपकी मेरी मन की बात आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के लिए बाय।